हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको गीता के 5 उपदेश बताने जा रहे हैं। भगवत गीता जिसमें श्री कृष्ण ने उपदेश दिए हैं, जो इन उपदेशों को अपनाता है उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। तो चलिए हम भी आपको बताते हैं, इन्हें आप भी अपनाइए और अपने जीवन को बदलिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरे संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल है और गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि व्यक्ति गीता की इन 5 बातों को जीवन में अनुसरण कर लेता है तो वह हर काम में विजय होता है। साथ में ये गीता के उपदेश बहुत ही अनमोल हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वे कौन से 5 उपदेश हैं जिन्हें आप भी अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। पहला है, फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा को छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि अच्छे का फल अच्छा होता है और बुरे का फल बुरा होता है। दूसरा उपदेश है, स्वयं का आकलन करना। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी होता है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। तीसरा उपदेश है, मन पर नियंत्रण। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया उसने संसार में हर चीज पर काबू पा लिया। वह मन में पैदा होने वाले बेकार चिंताओं और इच्छाओं को भी दूर कर सकता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। अगला उपदेश है, क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में व्यक्ति अपना नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी ना होने दे। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इसके बाद अगला और आखिरी 5वां उपदेश है, स्पष्ट नजरिया। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का इसकी स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए, हर बात साफ सुथरी होना चाहिए। यदि आपको भी गीता के यह उपदेश अच्छे लगे हो तो आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप भी इन सब को अपने जीवन में अपनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर आते रहें। धन्यवाद।